चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स हेलो एवरी वन टूडेज आवर टॉपिक इज टॉप ट्वेल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्वेश्चन नंबर वन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज इन फेज विद द वोल्टेज लैगिंग टू वोल्टेज एक्जैक्टली बाय नाइन्टी डिग्री लीडिंग टू वोल्टेज एक्जैक्टली बाय नाइन्टी डिग्री लैगिंग टू वोल्टेज लेस देन बाय नाइन्टी डिग्री अगर आपको इन फेज लैगिंग या लीडिंग इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो जो बैनर आपको अभी दिख रहा है उसका लिंक अभी राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन आपको दिख रहा है वहां पे मैंने दिया है तो आप वहाँ पे जाके फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करें और लैगिंग और लीडिंग का मतलब क्या होता है वहां पे आप देख सकते हो तो अभी इंडक्टिव सर्किट में हम सबको पता है कि करंट क्या होता है लैगिंग होता है तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ले लू एज ए रेफरेंस देन करंट लैज एग्जैक्टली बाय नाइन्टी डिग्री सो योर आंसर इज बी लैगिंग टू वोल्टेज एग्जैक्टली बाय नाइन्टी डिग्री सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ करंट इज करेक्ट इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट ऑप्शन आर आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू एंड आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा एंड नन ऑफ द अबव तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स होता है तो अगर फेजर डायग्राम का वो मेरा आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ग्राफ पेपर पे अगर आप वेब फॉर्म निकालते हो या फिर ऐसे आप फेजर डायग्राम निकालते हो तो लैगिंग यानी माइनस माइनस यानी दिस वन तो योर ऑप्शन इज बी तो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट फ्लो होता है वो लैग होता है तो पाए यानी होता है 180. एटी so सो 180 एटी डिवाइड बाई टू यानी कि नाइन्टी डिग्री तो एग्जैक्टली बाई नाइन्टी डिग्री से करंट लैग होता है लैग यानी निगेटिव सो योर ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे चार वेव फॉर्म दिए एज ऑप्शन और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वेव फॉर्म प्योरली इंडक्टिव के लिए है तो अगर आपने मेरा जो वीडियो है जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया उसमें मैंने ट्रिक बताया कि आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके वेव को भी कैसे आइडेंटिफाई करना है तो अगर मैं वोल्टेज रेफरेंस लेता हूँ तो करंट होता है लैक बाय एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री ओके तो आप देख सकते हो करंट एक्चुअली अगर इसको मैं ग्राफ पेपर्स कंसिडर करूँ तो ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है ओके तो करंट क्या हो रहा है निगेटिव में है तो इसका मतलब है जो वेवफॉर्म करंट की निगेटिव से स्टार्ट होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो रही है निगेटिव से स्टार्ट हो रही है ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है इसका ऑप्शन बी नहीं होगा ये जीरो से स्टार्ट हो रही है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा सो so, जो आपका ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन ये है कि ए बी सी एंड नन ऑफ द अब योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ओके सो वेवफॉर्म नंबर ए जो है आ, वो है प्योरली इंडक्टिव की नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज लेस देन 90 डिग्री 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री जीरो तो वेव फॉर्म जो है वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम से हम लोग बता सकते हैं कि इनकेस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स वोल्टेज एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री सो ये वोल्टेज और करंट का जो एंगल होता है वो यहाँ पे होता है फेज डिफरेंस सो योर ऑप्शन इज बी दैट इज 90 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज तो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और पूछा है कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज है हंड्रेड वोल्ट और इंडक्टर दिया है जीरो पॉइंट टू हेनरी तो अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इसमें जो करंट है वो फाइंड करना है सो इन केस ऑफ सिंगल फेज सर्किट गिवन वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज आर एम एस वैल्यूज तो हमें आई आर एम एस ही फाइंड करना है तो वी इज़ इक्वल टू आई इन टू अभी यहाँ पे हम लोगों को एक्सेल लिखना पड़ेगा ओके क्योंकि अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज रोनटेड बाय एक्सेल ओके सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो वोल्टेज है वी आर एम एस देन करंट होता है आई आर एम एस और यहाँ पे एक्सेल है सो इट इज़ हंड्रेड दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस हमें फाइंड करना है और एक्सेल जो होता है वो ओहम में मेजर्ड होता है और यहाँ पे इंडक्टर हेनरी में है तो जीरो पॉइंट टू का वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट नहीं करना है आपको आपको क्या फाइंड करना है एक्सेल फाइंड करना है तो एक्सेल होता है टू एफ एल ओके सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइड बाई टू पाए इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइड बाई टू पाए इंटू फिफ्टी इंटू एल एल का वैल्यू जीरो पॉइंट टू तो अगर हम इसको सॉल्व करें आप कैलकुलेटर पर इस पर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फिफ्टी नाइन एम्पियर ऑप्शन इज डी डी इज द करेक्ट आंसर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो करंट फ्लोइंग पूछा है कि मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट नहीं पूछा है अगर वो मैक्सिमम करंट पूछ ले तो आई एम इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू रूट टू इन आई आर एम एस आपको ऐसे करना पड़ेगा और ये रूट टू मल्टीप्ला वाई आपको वन पॉइंट फिफ्टी नहीं करना पड़ेगा लेकिन ये नहीं पूछा नहीं है तो जब आपको मैक्सिमम करंट स्पेशली मैंशन है तभी आपको मैक्सिमम करंट फाइन करना है अगर मैंशन नहीं है तो आपको फाइन नहीं करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेजर डायग्राम इज फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कि फेजर डायग्राम यानी कि इनके केस प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैक्स वोल्टेज एक्जैक्टली बाय नाइन्टी डिग्री और वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री सो योर ऑप्शन इज ओनली बी ओके ये जो बी वाले डायग्राम है दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन इंपडेंस फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज गिवन बाय ओके सो इंपेंस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है जेड इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स वे तो वो एक्सएल भी हो सकता है और एक्सी भी हो सकता है हमारा सर्किट अभी इंडक्टिव है सो योर इज इज इक्वल जे एक्सएल नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस येल इज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज स्लाइटली लेस देन सप्लाइड वोल्टेज जीरो नन ऑफ द अबव तो हमको पता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट यानी इंडक्टर और यहाँ पे होगा वोल्टेज सोर्स ओके तो अगर आ, इसको ट्रेस करें तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख सकता क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है तो कंटिन्यूसली ये पोटेंशियल चेंज होगा बट यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वही इसके एक्रॉस होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके एक्रॉस होगा तो इसका मतलब है कि इसके एक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज वन जीरो इन ब्रैकेट लैगिंग लैगिंग एंड जीरो ओके तो पता है पावर फैक्टर यानी क्या कॉस ऑफ फाइव ओके तो अभी देखो इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री ओके okay? तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं कॉस ऑफ 90 तो एम्प का आंसर आ जाता है जीरो ओके बट इन ब्रैकेट इट इज लैगिंग ओके और इसको कुछ बुक में लिखा है जेड पी एफ ऐसा भी लिखते हैं यानी कि जीरो पावर फैक्टर ओके तो आगे लैगिंग हो सकता है इनकेस ऑफ कैपेसिटर इट इज लीडिंग ओके जेड पी एफ यानी कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग तो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन दैट इज जीरो लैगिंग ओनली ला, लैगिंग नहीं लिखना है अगर जीरो लैगिंग ऑप्शन नहीं होता और लैगिंग होता तो इसको प्रायोरिटी बनती थी ओनली लैगिंग के लिए बट तो यहाँ पे जीरो लैगिंग लिखा है तो दोनों में से प्रिसाइस जो ऑप्शन है आपका वो वही है यानी कि बी ऑप्शन दैट इज जीरो लैगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सर्किट रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर इज तो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और आपको पूछा है कि इस सर्किट में रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, पावर कितना ले तो यहाँ पे इंडक्टर है जीरो पॉइंट टू हेनरी और वोल्टेज है हंड्रेड वोल्ट तो ऑप्शन जीरो वी ए आर जीरो आर फिफ्टी नाइन वैट बोथ पावर आर जीरोन वन फिफ्टी नाइन वी ए आर एंड जीरो वैट्स तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हमें रिएक्टिव पावर पूछा है तो रिएक्टिव पावर इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ फाइव ओके और एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी पी इज इक्वल टू वी आई कॉस्ट ऑफ फाइव तो इसका मतलब है यहां पे है वी आर एम एस गिवन वोल्टेज एंड करंट आर एवल आर एम एस वैल्यूज तो इट इज आई आई आर एम एस वी आर एम एस एंड आई आर एम एस ओके तो गिवन वोल्टेज इज ऑलवेज वी आर एम एस तो मेरे पास 100 वोल्ट है ओके okay? तो करंट मुझे पता नहीं है इसमें जो कितना करंट फ्लो होने वाला है ये मुझे पता नहीं है दैट इज आई आरएमएस इफ आई नो द करेंट्स देन वी कैन सॉल्व फर्दर ओके बट लेकिन अगर ये ये अपने जो डायग्राम देखी, दिस डायग्राम ये इक्वेशन नंबर तो अगर ये एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये जो डायग्राम है हम हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फाइव में इसका डिस्कशन किया है और इसमें करंट फ्लो होता है ओके okay? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो यहाँ पे फिर से मैं करंट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो हमारा करंट का जो वैल्यू है वो है वन पॉइंट फिफ्टी नाइन एमपियर ओके तो मुझे वोल्टेज पता है करंट पता है लेकिन मुझे फाइव नहीं पता ओके okay? तो फाइव कैसे निकालेंगे इनके ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स वोल्टेज

एक्टिव पावर इज जीरो फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप याद रखिए केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट एक्टिव पावर इज ऑलविद जीरो पे देखो कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है जीरो वैट तो जीरो वैट ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल है ओके तो रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शन में आपको जीरो वैट कहीं पर भी नहीं है तो ब्लाइंडली आप बोल सकते हो कि डी इज योर राइट एंसर ओके तो मान लीजिए कि यहां पर भी जीरो वैट है ओके, okay, सो so पे दो ऑप्शंस बनते हैं फिर आपके फिर आपको रिएक्टिव पावर के लिए ही करना पड़ेगा ओके okay, क्योंकि रिएक्टिव पावर यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन फिफ्टी नाइन है ओके okay, तो देखिए हम लोग रिएक्टिव पावर अभी ढूंढना स्टार्ट करेंगे सो so रिएक्टिव पावर की क्यू इज इक्वल टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फिफ्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ नाइनटी ओके तो साइन ऑफ नाइनटी होता है वन That so Q is equal to 100 multiplied by 1.59 so it is 159 volt ampere reactive and your reactive power is reactive power is 1.159 uh, and active power is 0 watt so your option is D D is your right answer channel को subscribe करने के लिए आपको यहाँ पे जो logo दिख रहा है उसपे क्लिक कीजिए आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते है ऐट द रेट इलेक्ट्रिकल ऊर्जा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एट सिक्स नाइन एट थ्री वन सिक्स जीरो फोर जीरो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा वन नाइन नाइन जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम थैंक्स फॉर वॉचिंग